जो वीडियो बनाई उनने मना कर दिया, तो हमने वीडियो बनानी बंद कर दी। वैसे वीडियो बनानी भी चाहिए, नहीं अभी बनानी चाहिए। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का मेरे इस नए वीडियो में। नए वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, फिर से एक नए दिन की नई सुबह के साथ, नई वादियों के साथ, खूबसूरत हवा के साथ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार, मेरा नाम है अनु रावत और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में, जो कि अभी मैं जंगलों के बीच में हूँ। बैन है पीछे चल रहे हैं, मतलब पीछे इस साइड को, तो मैं आ रखा हूँ यहाँ पर इस साइड को। बिल्कुल मस्त वाली ठंडी हवा चल रही है, सुबह सुबह का मौसम, और चींटियों की आवाज़ आप सुन सकते हो बिल्कुल मस्त करके, चारों तरफ से चींटियाँ ही चींटी गुनगुना रही है, और अभी का मौसम बिल्कुल मस्त हो रखा है। मेरे पीछे यहाँ पर एक खेत दिख रहे हैं, यहाँ पर पूरे ऊपर तक खेत हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पहले गहत पाए जाते थे, क्योंकि यहाँ बहुत दूर था, तो इस वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादातर भट गहत ऐसे वगैरह बोते थे। तो अब यहाँ इसलिए बंजर हो चुकी है, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि मतलब बैल थे, जो पहले ज़माने मतलब कम ही साल हो रखे हैं, मतलब कि बैलों को भावर भेज दिया जाता था, जो बूढ़े बूढ़े बैल होते थे और नए नए बैल लाए जाते थे। और अब क्या होता है कि भावर तो हो चुका बंद, तो इस वजह से जो पुराने बैल होते हैं मतलब उनको लोग छोड़ देते हैं और नए बैलों को लाते थे, तो जो पुराने बैल छोड़ देते हैं तो पूरे खेत को नष्ट कर देते हैं जगह जगह पर। तो इस वजह से यहाँ की खेती मतलब आधे से ज़्यादा खेती बंजर हो चुकी है, मतलब सारे मतलब यही नहीं सब जगह जो वहाँ पर खेत दिख रहे हैं उस साइड को, तो वहाँ पर भी आधे से ज़्यादा खेती बंजर हो चुकी है। कोई कोई खेत है उसमें भी वो नष्ट कर दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उनको मिलता है वहाँ पर। तो ऐसा हम घर वापस के लिए, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल बैल, और यहाँ पर ये थोड़ी और उस साइड को जंगल है ना, तो वहाँ पर चीड़ के पत्ते बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गिर चुके हैं, और गर्मी भी हो रही है भाई, वहाँ बहुत ही गर्म वाली हवा चल रही है, चीड़ के पत्ते बिल्कुल गिर रखे हैं ना, तो इस वजह से बिल्कुल फिसलन हो रखी है, बस सुई जा रहे हैं वहाँ से। तो मैं यहीं तक की लेके आया हूँ बैलों को, और यहीं से वापस जा रहे हैं घर, पानी पी भूके, और तो यहाँ से चलते हैं और आगे दिखाते रहेंगे आपको। और इस साइड को ना बांस के पत्ते और आँख के पत्ते इनके हवा चल रही है ना, तो बिल्कुल ठंडी वाली हवा चल रही है इस साइड को, और जो जंगल में चल रही थी ना वो बिल्कुल गर्म वाली हवा चल रही है, पता नहीं क्यों। तो भैया अभी टाइम हो चुका है 4:30 बजने वाले हैं, और मेरी तैयारी ऐसे सीधा हो रही है, बजरखोड़े मतलब बजरखोड़े ऐसे मतलब बाखली होती है, तो मतलब एक वहाँ पर ऐसे मतलब एक ब्राह्मण भी रहते हैं और ठाकुर लोग भी रहते हैं, तो ब्राह्मण लोगों की आज पूजा है, तो हमें वहाँ पर आज का निमंत्रण है, तो हम अभी जा रहे हैं यहाँ से। मेरे साथ दीप्पू के पापा भी जा रहे हैं, दीप्पू के पापा शायद में चले गए हैं, तो मैं अब जा रहा हूँ। तो ऐसा है कि अभी हमें यहाँ से बुलाया गया है, मतलब जल्दी से कुछ काम होगा तो इसलिए बुला रखा है, तो हम जा रहे हैं अभी यहाँ से सीधा बजरखोड़ा मतलब लखेड़ा है, तो लखेड़ा बाखली में जाना है हमें यहाँ से, ठीक। और वो हमारे ब्राह्मण भी हैं, अभी ठीक मंदिर के सामने पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर अभी कल परसों मीटिंग हुई थी, जिसमें कि मतलब यहाँ पर अभी ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर बाबा आने वाले हैं फिर से, कुछ दिनों पहले थे यहाँ पर बाबा जी और बाबा जी चले गए, तो फिर यहाँ पर बाबा जी आने वाले हैं, तो यहाँ पर अच्छा भी लगता है जब बाबा रहते हैं, तो मतलब मैं पहले तो डेली आता हूँ यहाँ पर मंदिर में जब बाबा रहते हैं, नहीं तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं यहाँ पर पक्का आ जाता हूँ, पर अब जब कुछ काम रहता है ना मतलब इस बजरखोड़ा इस साइड को, तो तभी आता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ मंदिर में वैसे कम आता हूँ, जब बाबा रहते हैं तो आने का मन करता है, नहीं रहते तो नहीं करता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए यहाँ पर खेतों में देखिए भट्ट जम चुके हैं, देखिए कितने हरे और के पूरा खेत हरा होने स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर कुछ दिनों में इसकी गुड़ाई होगी, गुड़ाई नहीं आई ली। तो यहाँ पर और कुछ एज छूट चुका था, इसको बोलते हैं अयल, और निश्र और खेलते नहीं निश्र जब कोई आदमी इसको अयल बोलते हैं, इसको लेने आया था, और जो भी काम था मेरा वहाँ उसको कंप्लीट करके आ चुका हूँ, और मेरे साथ देखे तो यहाँ पर देखिए एक गुड़ और एक अयल बोलते हैं, और डब्बू को भाई वहाँ डब्बू पे देखता आता है, तो डब्बू वहाँ डब्बू को इसलिए बुला रखा है, और गांव की तरफ से भी आ रखा है, मतलब कि निमंत्रण की, और देवता को भी निमंत्रण है,
तो यहाँ से जा रहे हुए हम दोनों अकेले अकेले, और वहाँ इतनी ठंड हो रही है ना, क्योंकि वो ढैया में है, मतलब ऊपर चोटी में है, तो इस वजह से वहाँ पर तनाव वाली हवा चल रही है। तो चलते हैं फिर, जैकेट भी ले रखा हो, तो चले आप वहाँ ही जाके दिखाते हैं आपको, है ना डब्बू। तो डब्बू देखिए रपर रपर लगा है आगे से, सुबह के साथ। तो अभी मैं कल रात को घर आ गए थे हम यहाँ से पूजा से, और फिर जा रहे हैं हम यहाँ पर, और अभी अभी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस साइड से, और थोड़ी बहुत धूप लगी है। और आजकल ना 5:30 बजे हो जाती है धूप आ जाती है हमारे गांव साइड में, वहाँ देखिए
हमारा गांव कुछ ऐसा दिखता है, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। रात ऐसा हुआ कि पहले तो हमने वीडियो बनाई, और उसके बाद जब खाना खाने के बाद, उसके बाद मतलब पहले भी नहीं बना दे रहे थे वो, हमने कुछ कुछ वीडियो पहले बना ली थी, तो उस टाइम उनने मना नहीं किया था। तो क्या हुआ कि खाना खाने के बाद उनने सीधा वीडियो बनाने को मना कर दिया था, और मेरे हिसाब से वैसे वीडियो बनानी भी चाहिए और नहीं भी बनानी चाहिए। बनानी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि देवता लोगों की जो शक्ति है वो बिल्कुल कम होती जा रही है शक्ति, और बनानी इसलिए चाहिए क्योंकि मतलब ये छिपती जा रही है, मतलब जो पुरानी सब कुछ भी है, मतलब जागर कुछ भी, पहले ढोल दबाऊँ में देवता नचाए जाते थे, अब यहाँ पर ओनली डोर और उसमें नचाए जा रहे बाहर भी और अंदर भी। और पहले तो मतलब कि ढोल होता है उससे नचाया जाता है, और बनाए तो वो भी दिक्कत और ना बनाए तो वो भी दिक्कत। तो चले फिर अभी चले जाते हैं यहाँ से, और देखिए मेरे यहाँ पर कितना बड़ा पहिया का पेड़ है, कुछ ऐसा देखिए इतना बड़ा। तो चले यहाँ से चलते हैं सीधा, हम मिलते हैं सीधा वहीं जाके। बाबा अच्छा तुम भी है जो, और कोई है ऊपर वाले जो, और अच्छा था मार लग रहे एक तो नानी कट भाई एक ही दिशा एक ही दिशा। हां ना तुम तो लड़ने नहीं चलो लड़ करता है इसका नहीं यार, वे तो जमीन कब दिया, जब भूमि हुई तो दिया जमीन सितंबर में। हां सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी फरवरी में छठ महीना मोड़ दे छठ में दिया जनन लो अच्छा तो ये था अभी लास्ट से सब चल चल आ रही और जाएंगे चले।